गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जीके क्लास 7th. दिस इज योर बुक एक्टिव जनरल नॉलेज. टेक आउट योर बुक्स. Everyone, take out your book. And open your chapter. Chapter number 1st, Animal Kingdom. Animal Kingdom. जानवरों का साम्राज्य. Your first chapter is Animal Kingdom. Everyone listen to me carefully. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम जानवरों का साम्राज्य. देयर आर डिफरेंट किंगडम्स ऑफ एनिमल्स विच क्रिएट रिकॉर्ड्स फॉर सम ऑफ देयर एक्टिविटीज. देयर आर different kinds of animals which create records for some of their activities. विभिन्न प्रकार के जानवर हैं. सम आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल मीन्स विभिन्न प्रकार के जानवर हैं विच क्रिएट रिकॉर्ड्स फॉर सम ऑफ देयर एक्टिविटीज. जो अपनी कुछ गतिविधियों के लिए रिकॉर्ड बनाते हैं. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम सच एनिमल्स. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सच एनिमल्स. नीचे दिए गए कुछ ऐसे जानवरों की तस्वीरें हैं. नीचे दिए गए कुछ जानवरों की तस्वीरें हैं. रीड द डिस्क्रिप्शन and write their names. Read the description and write their names. विवरण पढ़ें और उनके नाम लिखें. You can take help from the glue box. आप glue box से help means मदद ले सकते हैं. तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं और उनकी गतिविधियाँ के लिए रिकॉर्ड बनाते हैं. जो जानवर है वो उनकी जो गतिविधि है एक्टिविटी है वो उसके लिए रिकॉर्ड बनाते हैं. और उनके कुछ पिक्चर्स नीचे दिए हुए हैं. डिस्क्रिप्शन पढ़िए और उनके नेम लिखने हैं कि वो कौन से जानवर हैं. फर्स्ट क्या है, दे हैव एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग जॉज दैट कैन क्रश बोन्स इवन दोज ऑफ एलिफेंट्स. They have extremely strong jaws that can crush bones. Even those are elephants. उनके पास बहुत मजबूत जबड़े हैं. जॉ मीन्स क्या होता है, जबड़ा. जबड़ा किसको कहते हैं, जो दांतों के पास होता है जिसमें दांत सारे होते हैं उसको हम लोग जबड़ा कहते हैं. तो उनके पास बहुत मजबूत जबड़े होते हैं. दैट कैन क्रश बोन्स इवन दोज ऑफ एलिफेंट्स. जो हाथियों की हड्डियों को भी कुचल सकते हैं. उनके पास बहुत मजबूत जबड़े होते हैं जो हाथियों की हड्डियों को भी कुचल सकते हैं. दे कैन कंज्यूम 14.5 किलोग्राम फूड इन वन मील. दे कैन कंज्यूम 14.5 किलोग्राम फूड इन वन मील. वे एक भोजन में 145 किलो भोजन ग्रहण कर सकते हैं. मतलब उनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि एक साथ वो 145 किलोग्राम भोजन को खा सकते हैं. खाने को वो 145 किलोग्राम का खाना वो एक साथ खा सकते हैं. दे कैन
they can devour an entire animal including its skin, teeth, horns, bones and even hooves. They can devour an entire animal including its skin, teeth, horns, bones and even hooves. वे एक पूरे जानवर को खा सकते हैं. क्या है ये, इतनी इनकी कैपेसिटी होती है कि वे एक पूरा जानवर खा सकते हैं, जिसमें उसके त्वचा के दांतों, सींग, हड्डियों और खुर भी शामिल हैं. मतलब वो कुछ नहीं छोड़ते हैं. ये ऐसा जानवर है कि पूरा खड़ा एक जानवर खा सकता है, जिसमें उसकी ना स्किन छोड़ता है ये, और ना हड्डियों को छोड़ता है, और फिर ना हुप्स. मीन्स क्या होता है, खुर, पैर के पास जो होता है ना वो खुर, उसको तक भी ये जानवर खा लेता है. तो ये कौन सा जानवर है आपके क्लू बॉक्स में दिया है दी, देखिए ये आपका है स्पॉटेड हाइना. ठीक है, स्पॉटेड हाइना. तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे स्पॉटेड SPOTTED स्पॉटेड HYENA स्पॉटेड हाइना. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज द फर्स्ट नोन पॉइजनस बर्ड. इट इज़ द फर्स्ट नोन पॉइजनस बर्ड, या पहला ज्ञात जहरीला पक्षी है. नोन मतलब इसको हम जानते हैं कि ये पक्षी जो है बहुत जहरीला है. तो ये पहला ज्ञात जहरीला पक्षी है. द पॉइजन इज फाउंड इन द बर्ड स्किन एंड फेदर्स. द पॉइजन इज फाउंड इन द बर्ड्स स्किन and feathers causing numbness and tingling to those touching the bird. The poison is found in the bird skin and feathers causing numbness and tingling to those touching the bird. पक्षी की त्वचा और पंखों में जहर पाया जाता है. ये जो पक्षी है इसकी त्वचा और पंखों में जहर पाया जाता है, जिसमें कॉजिंग नमनेस एंड टिंगलिंग टू दोज टचिंग द बर्ड, जिससे पक्षी को छूने वालों को सुन्नता और झुनझुने होते हैं. मतलब ये क्या होता है, जो पक्षी को छुएगा उसको वो सुन्न हो जाएगा. एक हम लोग का इंजेक्शन लगता है ना, जब ऑपरेशन लगा तो लोग कहते हैं कि अरे एनेस्थीसिया लगा था. एनेस्थीसिया किसका इंजेक्शन है, वो सुन्न करने का होता है, बेहोशी वाला एक तरह से कह दीजिए. तो वहाँ उतनी दूर का आपका जो बॉडी पार्ट होगा वो सुन्न हो जाएगा, कटे पिटे कुछ आपको पता नहीं चलता है. तो वही है कि इसको छूने से क्या होता है, सुन्न हो जाता है और झिनझिनाहट होने लगती है. ठीक है, तो ये कौन सा बर्ड है, ये आपका है, देखिए क्लू बॉक्स में आपका दिया है, ये आपका है हुडेड पिटोही. तो यहाँ फिल कर देंगे हम लोग, क्या फिल करेंगे, हुडेड HOODED हुडेड PITOHUI. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस इज अ स्मॉल माउस लाइक मैमल. दिस इज अ स्मॉल माउस लाइक अ मैमल, या एक छोटा माउस स्मॉल माउस में छोटे चूहे जैसा स्तनपाई है. इट हैव फाइव क्लॉड टोज. इसमें पांच पंजे होते हैं, ये जो माउस है इस माउस के पांच पंजे होते हैं. इट लूजेस इट्स मिल्क टीथ बिफोर बर्थ. इट लूजेस इट्स मिल्क टीथ बिफोर. पैर की उंगलियां
यह जन्म से पहले अपने दूध के दांत खो देता है। मतलब ये जन्म से पहले ही इसके क्या होते हैं, दूध के दांत। बच्चों के दूध के दांत 5 साल के बाद गिरते हैं ना, टूटते हैं, लेकिन इसके क्या, जन्म से पहले ही इसके दूध के दांत सारे टूट जाते हैं। इट मस्ट ईट 80-90% ऑफ इट्स ओन बॉडी वेट इज फूड डेली। इट मस्ट ईट, भोजन में अपने स्वयं के शरीर के वजन का 80-90% ये खाता है। मतलब इसके शरीर का वजन जितना होता है उससे 80-90% ये भोजन खाता है। तो ये कौन सा रेट हो गया, इसको क्या कहेंगे हमको? देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका शिव, तो यहाँ फिल करेंगे शिव, एस एच आर ई डब्ल्यू, एस एच आर ई डब्ल्यू, शिव। नेक्स्ट क्या है, दी कैन ग्रो टू ओवर 40 mm इन लेंथ। दी कैन ग्रो टू ओवर 40 mm इन लेंथ, वे 40 mm से अधिक लंबाई तक बढ़ सकते हैं। वे 40 मीटर की अधिक लंबाई तक बढ़ सकते हैं। They are well known in Australia for their powerful sting. They are well known in Australia for their powerful sting. वे अपनी शक्तिशाली स्टिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध है। वे अपनी शक्तिशाली स्टिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध है। इफ लेफ्ट अनथ्रेड द स्टिंग कैन किल अ मैन। इट लेफ्ट अनथ्रेडेड द स्टिंग कैन किल अ मैन। यदि अनुपचारी छोड़ दिया जाता है तो स्टिंग एक आदमी को मार सकता है। मतलब जिसकी स्टिंग से अगर हम चाहें तो किसी आदमी को मार सकते हैं। इसके अंदर इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है कि इसकी स्टिंग अगर किसी आदमी को हम लोग चुभा देते हैं तो उससे उसकी मौत हो सकती है। तो ये क्या है, ये आपका हो जाएगा, देखिए बुलडॉग आंट, बुलडॉग आंट, तो यहाँ फिल करेंगे हम लोग बुलडॉग, बी यू डबल एल बुल, डी ओ जी डॉग, बुलडॉग आंट। नेक्स्ट क्या है, इट कैन लीप फ्रॉम ट्री टू ट्री लाइक अ स्क्वायरल। इट कैन लीप फ्रॉम ट्री टू ट्री लाइक अ स्क्वायरल, या एक गिलहरी की तरह पेड़ से पेड़ तक छलांग लगा सकता है। यह एक गिलहरी की तरह पेड़ से पेड़ पर छलांग लगा सकता है। इट इज़ बॉर्न ब्लाइंड एंड टूथलेस। इट इज़ बॉर्न ब्लाइंड एंड टूथलेस, या अंधा और दांत रहित पैदा होता है। मतलब जब ये पैदा होता है तब ये अंधा होता है और इसके मुंह में दांत भी नहीं होते हैं। ये जन्म से ही अंधा होता है। इट इज़ ओनली फाउंड ऑन द आइसलैंड ऑफ मडागास्कर। इट इज़ फाउंड ऑन द आइसलैंड ऑफ मडागास्कर, यह केवल मडागास्कर के द्वीप पर पाया जाता है। यह केवल मडागास्कर के द्वीप पर पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फस्सा, तो यहाँ फिल करेंगे हम लोग एफ ओ डबल एस ए, एफ ओ डबल एस ए। नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेनोमस स्नेक। दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेनोमस स्नेक, यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है।
यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। इट कैन बी एज लॉन्ग एज 18.5 feet। इट कैन बी एज लॉन्ग एज 18.5 feet या 18.5 feet तक हो सकता है, लंबा हो सकता है। ये 18.5 feet तक लंबा हो सकता है। इट इज वर्शिप्ड एज अ डिवाइन डिटी। इट इज वर्शिप्ड एज अ डिवाइन डिटी स्पेशली इन तमिलनाडु। इसे एक दिव्य देवता के रूप में पूजा जाता है, मतलब विशेष रूप से इसे तमिलनाडु में एक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, मतलब ये क्या है? देखिए, ये दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है जो 18.5 feet तक लंबा हो सकता है और यह तमिलनाडु में एक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किंग कोबरा। यहाँ फिल कर लेंगे हम लोग KING किंग COBRA किंग कोबरा। नेक्स्ट है, दे आर स्मॉल रोडेंट्स दैट होप लाइक कंगारूज। दे आर स्मॉल रोडेंट्स दैट होप लाइक कंगारूज। वे छोटे कृतंग हैं जो कंगारू की तरह हैं। रोडेंट्स मीन्स क्या होता है, ये एक जानवर ही है, इसको कृतंग कहते हैं, जो कंगारुओं की तरह होता है। दे हैव लार्ज किडनीज एंड प्रोड्यूस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी दे नेवर हैव टू ड्रिंक। They have large kidneys and produced heavily. उनके पास बड़ी गुर्दे हैं और अत्यधिक केंद्रीय मूत्र का उत्पादन करते हैं, मतलब उनकी इतनी बड़ी किडनी है कि हम लोग किडनी से ही तो यूरिन बनता है, तो उनकी इतनी बड़ी किडनी होती है इसकी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, नेम बताएंगे कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा टॉयलेट करते हैं, यूरिन बहुत ज़्यादा वो करते हैं। इस क्षमता के कारण उन्हें कभी 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 नहीं पीना पड़ता है, मतलब इनकी इतनी क्षमता होती है कि वो पानी ना भी पिए तो भी चल जाएगा। दे ऑल्सो डोंट लूजेज वाटर बिकॉज दे डोंट हैव स्वीट ग्लैंड्स। दे नेवर हैव टू ड्रिंक, सॉरी, दे ऑल्सो डोंट लूजेज वाटर बिकॉज दे डोंट हैव स्वीट ग्लैंड्स। वे भी ढीला पानी नहीं है क्योंकि वे पसीने की ग्रंथियां नहीं है, मतलब उनके में पसीने की ग्रंथियां नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा बॉडी से उनके पानी नहीं निकल पाता है। तो ये कौन सा है, ये कौन सा जानवर है, ये आपका हो जाएगा कंगारू। देखिए यहाँ दिया है कहीं कंगारू रैट, कंगारू रैट, यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे KANGARO कंगारू रैट। नेक्स्ट क्या है, दे आर नेटिव टू द अमेरिकन्स। दे आर नेटिव टू द अमेरिकाज, वे अमेरिका के मूल निवासी हैं। दे कैन हॉवर इन मिड एयर बाय फ्लॉपिंग देयर विंग्स 15 to 80 times per second। दे कैन हॉवर इन मिड एयर बाय फ्लॉपिंग देयर विंग्स 15 to 80 times per second। वे अपने पंखों को 50 to 80 times फड़फड़ा कर मध्य हवा में मंडरा सकते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, ये अपने पंखों को 15 to 80 times फड़फड़ाते हैं और हवा में मंडराते हैं। दे कैन ऑल्सो फ्लाई बैकवर्ड्स एंड इवन अपसाइड डाउन। दे कैन ऑल्सो फ्लाई बैकवर्ड्स एंड इवन अपसाइड डाउन। वे पीछे की तरफ
तरफ भी उड़ सकते हैं और उल्टे भी उड़ सकते हैं, मतलब वे उल्टे होके भी उड़ सकते हैं और पीछे के साइड भी उड़ सकते हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे, ये कौन से होती है, कौन सी बर्ड, तो ये होगी ह्यूमिंग बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड्स। तो यहाँ हम लोग फिल कर देंगे ह्यूमिंग, एच यू डबल एम आई एन जी बी आई आर डी, ह्यूमिंग बर्ड, एच यू एम एच यू डबल एम आई एन जी बी आई आर डी, ह्यूमिंग बर्ड। नेक्स्ट है, दिस फिश इज कॉमनली सीन गल्पिंग इन द एयर एट द सरफेस ऑफ वाटर, या इस मछली को आमतौर पर पानी की सतह पर हवा में उछलते हुए देखा जाता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू क्लाइम आउट ऑफ वाटर एंड वॉक शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। It has the ability to climb out of water and walk short distance on the surface of the water. इसमें पानी से बाहर निकलने और पानी की सतह पर कम दूरी पर चलने की क्षमता है। It uses its gill plates and support and pushes itself on the surface of the water using the fins and tails. या अपने गिल प्लेटों को समर्थन के रूप में उपयोग करता है और पंख और पूंछ का उपयोग करके पानी की सतह पर खुद को धक्का देता है, मतलब वो गिल के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, अपने आप को पुश करता है और पानी की सतह पे अपने आप को धक्का देता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्लाइंबिंग पर्च, क्लाइंबिंग पर्च। तो यहाँ फिल करेंगे सी एल आई एम बी आई एन जी, क्लाइंबिंग पी ई आर सी एच, क्लाइंबिंग पर्च। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप चैप्टर फर्स्ट एनिमल किंगडम, जानवरों मतलब अद्भुत जो उनकी साम्राज्य है, वो आप लोग का सारा चीज़ समझ में आ गया हो। आई सो होप सबने फिल भी कर लिया हो, आपको पीडीएफ के थ्रू जैसा भी होगा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक आप लोग इसको पढ़िए और समझिए। सो थैंक यू सो मच।